अपना सहकार देने की कामयाब कोशिश कर रहे हैं तमाम सहकारियों को, सुप्रीम मीन्स जय भीम। सहकारियों, हम सहकार ये शब्द यूज करते हैं साथियों के लिए, जो भी मूवमेंट के एक्टिविस्ट हैं उन्हें हम सहकारी बुलाते हैं। तो ये सहकारी का मतलब है जो सहकार करता है, जो लंबे समय तक अप टू द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ मूवमेंट के लिए सहकार देने में मीन्स कामयाब कोशिश करता है, इसीलिए हम साथी न कहके सहकार कहते हैं। आज का ये जो टॉपिक है जो मीन्स कोऑपरेशन, ये एक कोऑपरेशन का बैकबोन है आज का टॉपिक। जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय एक कोऑपरेशन टॉपिक का बैकबोन है, और ये कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता ये पूरे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का बैकबोन है। तो इसके अनुसार हमें इसका महत्व पता चलता है कि आज के जो सब्जेक्ट है, जो जो विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो कितना महत्वपूर्ण विषय है। सहकारियों मीन्स वो टॉपिक है वैल्यूज इथिक्स डिराइव द सेवन प्रिंसिपल्स ICA 1895 टू आज तक 2020 और करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ ICA। और इसका अगर टाइटल आप देखेंगे, कोऑपरेशन इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट व्हिच डिसॉल्व कास्ट इन मींस टू मेक होमोजेनियस सोसाइटी। इसका अर्थ ये है सहकारियों, ये सॉल्वेंट यानी कि मींस आईसी ऐसा एक मींस केमिकल या लिक्विड हम कह सकते हैं, ऐसा लिक्विड जो सबको खुद के अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, खुद के अंदर सब सब्सटेंस को, सभी चीजों को खुद के अंदर समाविष्ट करके डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, और वो है वाटर। उसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और साइंस हम ये पानी को, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। यूनिवर्स ने उसे एक्सेप्ट किया है, और ये कोऑपरेशन ही उसका उसके जैसा रोल करता है सोसाइटी में, कोऑपरेशन। इसीलिए कोऑपरेशन को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, जो हर एक चीज, हर एक जो विभिन्नता है बिकॉज ऑफ कास्ट, इनर्सी ऑफ कास्ट का कारण निर्माण हुई है, वो सभी भिन्नताओं को या कास्ट को डिसॉल्व कर एक होमोजेनियस सोसाइटी, होमोजेनियस मीन समता मूलक समाज का निर्माण करता है। और इसीलिए कोऑपरेशन को हम, कोऑपरेशन इज द अनदर नेम फॉर अम्बेडकरिज्म, कोऑपरेशन इज अनदर नेम फॉर अम्बेडकरिज्म। या इसे हम ऐसा भी कहते हैं कि कोऑपरेशन एक ऐसा तोड़ है, एक ऐसा तोड़ है, ऐसा जालिम मेडिसिन है उनको समचा युग को मुकाबला करने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक ऐसा शस्त्र है कोऑपरेशन। तो सहकारियों, आज हम ये कोऑपरेशन की चर्चा करेंगे। हमने पहले से कोऑपरेशन जब से स्टार्ट हुआ है, ये तीसरा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है, तो ये तीन लेक्चर्स में हमने ये देखा है कि कास्ट, जाति एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोऑपरेशन। बृहद्रथ की हत्या के बाद मनुस्मृति द्वारा जाति को ज्यादा मजबूत किया गया, जाति रिजिड बनाई गई। वो कैसे बनाई गई? ये कोऑपरेशन जो सहकारिता है उसको समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर से कम कम करते जाति को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। मीन्स जैसे जैसे कोऑपरेशन समाज में से नष्ट होते गया, वैसे वैसे कास्ट मजबूत होते गई। इसीलिए हम कहते हैं कास्ट मीन्स कोऑपरेशन इज डिक्रीज मीन्स बाय क्रिएटिंग द कास्ट एंड कास्ट बिकम्स रिजिड। कास्ट ज्यादा मजबूत होने का एक कारण है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन को नष्ट करके जाति मजबूत बनाई। इसका मतलब यह है सहकारियों, अगर हम कोऑपरेशन को मजबूत करेंगे तो जाति एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी। और इन द नोशन ऑफ कास्ट देर इज नो एनी स्कोप फॉर कोऑपरेशन। जाति ये जो व्यवस्था है, चतुर्वर्ण ने जो व्यवस्था है, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है विथ कास्ट,
उसमें ये कोऑपरेशन को कुछ भी स्कोप नहीं है। मींस हम जितने भी अंदर जाएंगे कास्ट के अंदर, उसे उस कास्ट में अलग अलग कम्युनिटीज में ये सहकारिता की भावना हमें किधर भी दिखाई नहीं देगी, या उसे निर्माण होने के लिए कौन सा भी स्कोप नहीं है, उसे बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कास्ट कल्चर में, कल्चर ऑफ कास्ट में और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी में। सहकारियों, ये इसके सहकारिता के कुछ मूल्य हैं, सहकारिता के मूल्य और तत्व है। हम सोचते हैं कि कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता का समाज में कैसे पैदा करेंगे, कैसे निर्माण करेंगे, तो उसे जानने के लिए हम या वो मिस पाने के लिए, ये निर्माण करने के लिए हमें पहले ये वैल्यूज, ये सहकारिता के मूल्य और तत्व से जाना पड़ेगा, उनसे को समझना पड़ेगा। वैल्यूज एंड इथिक्स डिराइव द सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेटिव वैल्यूज। तो कौन सी कोऑपरेटिव वैल्यूज है? पहला है सेल्फ हेल्प, स्वयं का सहाय खुद करना। सेल्फ हेल्प हम बोलते हैं, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। पीबीएसपी की जो पांच मूल्य है, पीबीएसपी बेस्ड ऑन फाइव थिंग्स क्वालिटीज एक्टिविस्ट, अगर पीबीएसपी के अगर एक्टिविस्ट हम बनना चाहते हैं तो पांच क्वालिटीज पहले हमें अंदर हमारे अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। उसमें से एक है सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। तो सहकारियों, क्या है ये सेल्फ हेल्प एंड बेस्ट हेल्प, मींस एज अ मींस बेस्ट हेल्प? इन कोऑपरेटिव्स पीपल हेल्प ईच अदर व्हाइलस्ट हेल्पिंग देमसेल्व्स बाय वर्किंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम एक दूसरे से मींस को जो सहाय करते हैं, मींस कोऑपरेट करते हैं, या मींस उसे या खुद का काम खुद करना, दैट इज द सेल्फ हेल्प। और ये जो तत्व है सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, हम देखते हैं कि अलग अलग ऑफिसेस में यानी कि एक फैमिली तब में भी तक हम ये सेल्फ हेल्प, ये जो तत्व है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट खुद के अंदर नहीं करते हैं, तो समाज के अंदर कब करेंगे? तो ये बहुत ही, ये खुद का भी इंट्रोस्पेक्शन हमें कराता है और सोसाइटी का रेट्रोस्पेक्शन भी करने का एक बढ़ावा देता है ये तत्व सेल्फ हेल्प। दूसरा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वयं का उत्तर, स्वयं जिम्मेदारी, जिसे हम कहते हैं स्वयं जिम्मेदारी। इंडिविजुअल्स विद इन कोऑपरेटिव्स एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड प्ले अ फुल पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोऑपरेटिव्स में ये जो या सहकारिता का जो भी संगठन होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें हर एक सदस्य अपनी खुद की जो जिम्मेदारी है उसे 100% पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेगा, उसे बोलते हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि स्वयं जिम्मेदारी। तीसरा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्रता, या अ कोऑपरेटिव विल बी स्ट्रक्चर सो दैट मेंबर्स हैव कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, वन मेंबर वन वोट। मींस ये जो सहकारिता का जो संगठन होगा वो पूरी तरह से लोकतांत्रिकता से चलाया जाएगा, हर एक सदस्य को उतना ही अधिकार रहेगा, उसकी उतना ही जिम्मेदारी कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो बेनिफिट होगा उसको उतना ही कंट्रीब्यूट उसे वो पार्ट करेगा, या हम एक मेंबर वन वोट, ये जो प्रिंसिपल है पूरी तरह से फॉलो होगा एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। चौथा इक्वालिटी यानी कि समानता, ईच मेंबर विल हैव इक्वल राइट्स एंड बेनिफिट्स। मींस जितना हम देते हैं उसे हम उतने ही पार्ट से कंट्रीब्यूट करने का हक वो या समानता वो सदस्य को रहेगी जो वो सहकारिता संगठन का सदस्य रहेगा। इक्वालिटी, सब सदस्य एक समानता की तौर से, समानता की दृष्टि से देखे जाएंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही होगा और उनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही होगा। इक्विटी हर एक इक्विटी मींस एक न्याय की दृष्टि से सभी सदस्यों को देखा जाता है। मेंबर्स विल बी ट्रीटेड जस्टली एंड फेयरली, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, हर एक को से बिहेव या उसे रखा जाएगा।
सॉलिडेरिटी, एकजुटता, सॉलिडेरिटी का अर्थ है एकजुटता, सभी सदस्य अपने कॉमन पर्पस को पूरी तरह से पाने के लिए, उसे मिलाने के लिए वो एक दूसरे को पूरी मिस कोऑपरेट करके, वो जो एकजुटता है, जो ऐक्य है, जो उसे हम सॉलिडेरिटी कहते हैं, वो निभाएंगे, मेंटेन करेंगे टिल कंप्लीट टेन्यूअर ऑफ दैट संगठन और फॉर लॉन्गर लाइफ। और ये जो सहकारियों, ये इक्विटी और इक्वालिटी देखने के लिए एक दिखते हैं, लेकिन उसमें फर्क है, लेकिन उसमें फर्क है। इक्वालिटी यानी कि समानता, और इक्वालिटी आप ये पिक्चर में देखते होंगे कि इस पेड़ है और ये पेड़ के जो फल है, ये दोनों को चाहिए, दोनों को इक्वल हाइट, ऊंचाई सेम है, समान है, समानता वो दोनों को दी गई है, लेकिन पेड़ एक तरफ झुका झुका हुआ है, इसीलिए सिर्फ एक ही जन पेड़ के जो फल है उसको तोड़ सकता है, उसका आनंद ले सकता है, और दूसरा वो पेड़ झुका होने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में उसका फल तोड़ने में कामयाब हो रहा है, उसका आनंद नहीं ले सकता है, उसे एंजॉय नहीं कर सकता है। लेकिन इक्विटी वो चीज है कि ये इक्वालिटी होने के बाद ये पेड़ एक तरफ ही झुका हो रहा है और झुका है, और जिसके कारण वो फल नहीं मिल रहे हैं, तो उस जो मिस ये फल तो नहीं तोड़ पा रहा है, उसकी सीढ़ी की ऊंचाई और बढ़ाकर उसे फल मिलेगा, ऐसी व्यवस्था करना, ये है इक्विटी। तो सिर्फ इक्वालिटी से काम नहीं चलेगा, तो इक्विटी भी उसके साथ चाहिए। अगर समाज के हर एक कम्युनिटी या हर एक सदस्य को अगर ये उसका फायदा अगर हम देना चाहते हैं, तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें इक्वालिटी और इक्विटी ये दोनों वैल्यू वहां रहते हैं। इथिकल वैल्यूज, ये थे सिक्स मॉरल मिस कोऑपरेटिव वैल्यूज। इसी के साथ ये कोऑपरेटिव में, ये सहकारिता संगठन में ये इथिकल वैल्यूज को भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों? टू मिस कोऑपरेटिव मेंबर्स बिलीव इन इथिकल वैल्यूज ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। पहला है ऑनेस्टी। सहकारियों, ये PBSP, इट इज अ कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव प्रोग्राम, वी कैन से पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम, ये कोऑपरेटिव। और इसके जो एक्ट है उसका पहली क्वालिटी है ये ऑनेस्टी। ये ऑनेस्टी, व्हाट इज ये ऑनेस्टी, क्या है यानी कि प्रामाणिकता। ऑनेस्टी इज मोर देन नॉट लाइंग, इट इज ट्रूथ टेलिंग, ट्रूथ बिहेविंग, स्पीकिंग, ट्रूथ लिविंग एंड ट्रूथ लविंग। मीन्स हर एक चीज, हर एक हमारी थिंकिंग है, हमारा बिहेवियर है, हमारी एक्शन है, वो सच के साथ हमेशा जुड़ी होनी चाहिए, वो है ऑनेस्टी, प्रामाणिकता। अगर ये इथिकल वैल्यूज हम अंदर, हमारे न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं उनके अंदर अगर देने की कोशिश करेंगे, ट्रांजिस करने की कोशिश करेंगे, जो एम ऑफ एजुकेशन है, जो ट्रांजिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो उसमें अगर हम कामयाब होते तो ये ऑनेस्टी डेवलप करने में जनरेशन टू कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनेस्टी इज द फास्टेस्ट वे टू प्रिवेंट अ मिस्टेक फ्रॉम टर्निंग इनटू अ फेल्यूअर। मींस ये जो हम ऑनेस्टी क्या है, हमें हमेशा हम कुछ गलत करें उससे हमारा बचाव करती है। इसका मतलब हम हमेशा कुछ अच्छी चीजें करें, कुछ बराबर ही चीजें करें, कुछ गलत ना करें, ये ऐसा पाथ दिखाने वाली जो क्वालिटी है उसे हम प्रामाणिकता, ईमानदारी, ऑनेस्टी कहते हैं। ये ऑनेस्टी को भी ये सहकारिता में एक इथिकल वैल्यूज के रूप में ज्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा ओपननेस, ओपन माइंडनेस, ये भी एक PBSP की एक्टिविस्ट की क्वालिटी है। ओपननेस, ओपननेस रिफ्लेक्ट्स इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल curiosity and appreciation of aesthetic experiences. Means ये जो हम इतना खुद को ओपन करना चाहिए ताकि हमें क्रिएटिव और क्रिएटिव उससे आगे और क्रिएटिव चीजें देखने की एक संभावना, हमारे एक विजन हमारे अंदर पैदा हो सके,
हम इमेजिनेशन, हमारा इमेजिनेशन इतना वो कि उससे कुछ पॉसिबिलिटी की तरफ या क्रिएटिविटी की तरफ वो हमें ले जा सके, इतना ब्रॉड इमेजिनेशन और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, हमेशा हमें ये क्यूरियस होना, पल पल अगर हम क्यूरियस रहेंगे तो वो हम खुद को हमेशा डेवलप करते जाएंगे, खुद को विकसित करके जाएंगे और वो खुद का विकसितपन एक समाज को विकसित करने में कामयाब आएगा, काम आएगा। एंड एप्रिसिएशन ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस मीन्स हमें एप्रिसिएशन भी करना आना चाहिए, इतना हमें हमारे अंदर ओपननेस होना चाहिए, ओपननेस एंड उसे हम कहते हैं ओपन माइंडनेस। सहकारियों मैं बताना चाहूंगा कि PABSP की जो एक्टिविस्ट की 5 क्वालिटीज है, पहला है ये ओपननेस, दूसरा ऑनेस्टी, और जो हमने देखा है सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हमें खुद की जिम्मेदारी तो का एहसास तो होना ही चाहिए, साथ साथ हम कुछ पे बैक, समाज का ऋण भी हमारे पास है और उस वो समाज का जो जिम्मेदारी है उसका उत्तरदायित्व निभाना भी हमारा एक मीन्स ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी भी हमें मीन्स वो भी हमारे अंदर आनी चाहिए, उसे कहते हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इथिकल फ्रेमवर्क एंड सजेस्ट दैट एन इंडिविजुअल हैज एन ऑब्लिगेशन टू वर्क एंड कोऑपरेट विथ अदर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, मीन्स हम खुद के हमारे खुद के फायदे के लिए जो हमारा हम जिस संगठन के सदस्य है उसके और हमारे पैरेलल हमारे साथ जो और बाकी के कुछ संगठन भी काम कर रहे हैं उन सब के हित के लिए, और वो सब सेंटर ऑफ पॉइंट है समाज का हित, बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, उस हित के लिए हमारी जो भी कॉमन एक्टिविटीज है वो करने की आशा हमारे अंदर पैदा हो, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए हम कुछ करें, वो जिम्मेदारी, वो उत्तरदायित्व हमारे अंदर निर्माण हो, दैट इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सहकारियों ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर, हम सब लोग इसमें उसी लिए इन्वॉल्व है बिकॉज दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर विद इन अस। केयरिंग फॉर अदर्स, केयरिंग फॉर अदर्स, ये जो नया इसमें वेल एड किया हुआ है, केयरिंग फॉर अदर्स, फीलिंग कंसर्न फॉर काइंडनेस टू अदर्स मीन्स दूसरों के प्रति हमें कुछ केयर या उसे उन दूसरों के हित के लिए कुछ करने की भावना, हमारे काइंडनेस फॉर अदर्स वो डेवलप होना चाहिए। तो ये जो इथिकल वैल्यूज एंड कोऑपरेटिव वैल्यूज टोटल, और ये 4 टोटल मिला के 10, अगर ये पूरे क्वालिटीज अंदर हम डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, तो डेफिनेटली हम वी कैन कंट्रीब्यूट एट हाईएस्ट लेवल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। और सहकारियों हर एक मूवमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स जो फुले अम्बेडकरी मूवमेंट, उनका ये पर्पज है, ये उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, व्यक्ति का निर्माण करना, व्यक्ति का निर्माण करना। और ये व्यक्ति का निर्माण कैसे हो सकता है, व्यक्ति का निर्माण ये व्यक्ति मूल्यों से हो सकता है, ये नैतिक मूल्यों से हो सकता है, ये वैल्यूज से, ये फ्रॉम बाय दिस वैल्यूज वी कैन क्रिएट इंडिविजुअल्स विच इज द पर्पस ऑफ फुले अम्बेडकरी मूवमेंट्स। सहकारियों ये जो चीज, ये सब चीजें हम, ये क्वालिटीज, ये जो वैल्यूज मूल्य जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब मूल्य अशोका द ग्रेट इनके पीरियड में अस्तित्व में थे, ऐसा नहीं कि हम आज उनको पढ़ रहे, ये कुछ ये मनुवादियों ने इसे समाज से डिस्ट्रॉय किया बाय मोमेंट मिस बाय इनर्शिया ऑफ कास्ट के द्वारा, इनर्शिया ऑफ कास्ट के द्वारा ये सब मूल्य नष्ट किए गए, जिसकी कारण आज हमारी ये स्थिति है। और ये स्थिति अगर हमें छोड़नी है, ये यथास्थिति अगर हमें बदलनी है, तो ये मूल्यों को हमारे अंदर कल्टीवेट करना पड़ेगा, इसे इन इन मूल्यों को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, उनको विकसित करना पड़ेगा हमारे अंदर भी और समाज के अंदर भी, तभी जाके ये पूरा समाज कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव या सहकारिता से पूरा भरा हुआ समाज निर्माण हो सकता है, या तब ये जब तक नहीं होता है तब तक वो असंभव है। सहकारियों ये जो मूल्य थे ये अशोका द ग्रेट
क्यों गोल्डन पीरियड कहा गया है, पीरियड ऑफ ग्लोरी क्यों कहा गया है? ये जो अशोका का पीरियड था, दैट वाज अ गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्यों कहा गया था? उसका कारण इसमें छिपा हुआ है। कोऑपरेशन का मूल मिस महत्व अशोका दी ग्रेट इन्होंने जाना था, और उसके कारण वो खुद कोऑपरेटिव एक बने और समाज के अंदर, अपनी प्रजा के अंदर इन मूल्यों को उन्होंने प्रसारित और विकसित करने की पूरी कामयाब कोशिश की। हम अगर उनके शिलालेखों का अभ्यास करते हैं तो पूरे शिलालेखों में से ये चीजें उजागर होती है, नैतिक मूल्यों का। उन्होंने वो दो ही चीज, उन्होंने समाज परिवर्तन करने के लिए दो चीजों पे ऊपर गौर दिया। वो खुद कहते हैं कि मैंने दो चीजें की है, पहला एक धम्म नियमन और दूसरा विचार करने वाला समाज बनाकर। और मिस विचार करने वाला समाज बनाना और ये नैतिक मूल्यों को विकसित करना, इन दो चीजों से समाज का रिकंस्ट्रक्शन होता है सहकारियों। और इसीलिए ये हम ये इट इज इंक्लूडेड इन पीबीएसपी और एमकेएसओटी सिलेबस में, ये चीजें इसीलिए अंतर्भूत की है, इन्वॉल्व कर की गई है, जिसे हम बहुत ही गहराई से डिस्कस कर रहे हैं और खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करने की साथ साथ भी कोशिश कर रहे हैं। तो सहकारियों, और इसीलिए अशोका दी ग्रेट, इनको ये कोऑपरेशन इतना 100% था कि उसके कारण ना आंतरिक कुछ विद्रोह हुआ इतने बड़े साम्राज्य में, या कोई मीन्स उन्हें ज्यादा पुलिस दल की, मिलिट्री की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। इसका कारण ये था, इसका कारण था ये कोऑपरेशन सोसाइटी में, समाज में ये सहकारिता के मूल्य और ये तत्व पूरी तरह से प्रसारित हो गए थे, और समाज उससे मिस कोऑपरेशन से जी रहा था। और जब हम आज जाति में जीते हैं तो कोऑपरेशन हमारे पास कभी नहीं आएगा। अगर जब हम जाति छोड़ेंगे, जाति से बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो हम सहकारिता से जीवन जीना स्टार्ट करेंगे, उसे जीने की शुरुआत करेंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एक मिनट प्रियंका, आवाज आ रही है? यस, करेक्ट। यस, सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। पहला, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। इसमें वॉलंटरी, इट इज ओपन टू ऑल, कौन सा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, ये मेल फीमेल, कौन से जाति का है, कौन से कम्युनिटी का है, ये मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, सोशल, रेशियल, पॉलिटिकल और रिलीजियस, ओपन टू ऑल। और सब सदस्य अपनी इच्छा से वॉलंटरीली दे विल पार्टिसिपेट, मींस ओपन टू ऑल टाइप ऑफ पीपल, दैट इज वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। दूसरा, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। जो भी सदस्य, जो भी सहकारिता का संगठन है, वो संगठन ये डेमोक्रेटिक वे से, लोकतांत्रिक वे से चलेगा, मींस और ये who actively participate, setting there, जो भी सहकारिता का समान उद्देश्य है वो डिसाइड करने में, अलग अलग पॉलिसीज है वो बनाने में, हर एक सदस्य का उतना ही सहभाग रहेगा, और मींस उनका विचार विनिमय दिया जाएगा। मेन एंड वुमेन, जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें वन वोट, मींस वन मेंबर वन वोट रहेगा, और इसी के ये डेमोक्रेटिक पूरी तरह ये संगठन जो है लोकतांत्रिक वे से चलाया जाएगा। तीसरा प्रिंसिपल है मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मींस जो भी साधनों का निर्माण करना है ये समाज में संगठन चलाने के लिए, उसके लिए जो भी इन मींस लगेगा, जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रहेगा वो इक्वल स्वरूप से, समानता के स्वरूप से वो मींस पार्टिसिपेशन रहेगा, और उसका जो बेनिफिट है कंट्रीब्यूशन, वो भी उसे समान रूप में मिलेगा।
और ये हम अगर डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें ये जो फायदा है वो कम्युनिटी को भी देना है, दैट इज कोऑपरेशन। चौथा, एटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। एटोनॉमी और इंडिपेंडेंस मींस ये स्वायत्त रहेगा, जो भी सामाजिक ये सहकारिता का जो संगठन है पूरी तरह से इंडिपेंडेंस स्वतंत्र और मींस स्वायत्त रहेगा, मींस इसके ऊपर दूसरे किसी चीज का कंट्रोल नहीं रहेगा, इसके सदस्य ही इसे लोकतांत्रिक पद्धति से मींस मेथड से कंट्रोल करेंगे। और ये एटोनॉमी, अगर एक संगठन दूसरे संगठन के साथ जुड़कर काम करता है कुछ कॉमन पर्पस के लिए, तब भी जाके हरे दो ये दो संगठन अपना खुद का एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंसी, एटोनॉमी कॉन्स्टेंट मींस अलग से रखेंगे, वो दोनों मर्ज नहीं हो जाएंगे। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, ये जो मेथड है उससे ज्यादा जो हम पढ़ते हैं जो सीखते हैं उसे अगर हम एक्शन में लाना है तो ट्रेनिंग की जरूरत है। एक्शन में लाके अगर हम सीखते हैं तो उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। आज हम जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स जो है ये इसी का भाग है, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। अगर हम पीबीएसपी को एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक पूरी ट्रांसपेरेंसी पीबीएसपी की आपके सामने खड़ी हो जाएगी एज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव प्रोग्राम। आप हर एक मूल्य जो हमने वैल्यूज देखे, इथिकल और कोऑपरेटिव वैल्यूज, और ये जो कोऑपरेटिव वैल्यूज है ये हमें ये प्रिंसिपल तत्व निर्माण करते हैं, तत्व आते हैं वैल्यूज से, और जब हमारे अंदर वैल्यू हो गए तभी जाके हम बिहेव करेंगे प्रिंसिपल से, और तब जाके समाज में और जागृत होगा, कोऑपरेशन डेवलप होगा। तो ये एजुकेशन ट्रेनिंग एक बहुत सारे एग्जांपल है। अगर हम एग्जांपल देखते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, जो मेंबर्स है या जो सेक्रेटरी वो रहेंगे या चेयरमैन, उनको पता रहेगा अप टू सर्टन लेवल कि ये होता क्या है कोऑपरेशन, और बाकी के मेंबर्स हम सिर्फ ऐसा ही रहते हैं। तो ये इसका बहुत अज्ञान है समाज के अंदर कोऑपरेशन टर्म का, और इसे दूर करने के लिए इसकी जरूरत है एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। कोऑपरेटिव अमंग कोऑपरेटिव मींस ऐसे पैरेलली जो सारे संगठन काम करते हैं उनके अंदर भी ये सहकारिता होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मींस कोऑपरेटिव्स सर्व देयर मेंबर्स most effectively and strengthen the cooperative movement working together through local, national and international structures. Means कौन सा भी संगठन हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी स्तर का हो, इसी के साथ उसके साथ अगर कॉमन पर्पज हमारा सेम है तो उसे कोऑपरेशन करके हमें आगे जाने वाला ये प्रिंसिपल है। सातवा, कंसर्न Next. Yeah, thank you. Sorry for disturbance. Yeah, because of some internet issue. Okay. Concern for community. Cooperatives work. ये बहुत ही महत्वपूर्ण principle है, तत्व है हर एक cooperative organization का, जो सहकारिता से जो संगठन बना हुआ है उसका ये तत्व होना ही चाहिए। प्रॉमिस है कोऑपरेटिव्स वर्क फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर देयर कम्युनिटीज थ्रू पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय देयर मेंबर्स। मींस ये कम्युनिटी का जो बेनिफिट, समाज का हित देखने का विजन ये प्रिंसिपल देता है, और उसके लिए उसे सस्टेन भी करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज, ये इसके लिए
हर एक ये सहकारिता का संगठन जो है अपनी खुद की पॉलिसीज बनाएगा और वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगा जिसके कारण समाज का फायदा हो, समाज का हित हो, और ये कंसर्न फॉर कम्युनिटी सहकारी हो। हमने ये 10 मूल्य देखे हैं, पहले मीन्स इथिकल वैल्यूज 4 और ये मॉरल वैल्यूज 6 और ये 7 प्रिंसिपल 7 तत्व। अगर हम ये इससे देखते हैं, अगर ये हमारे अंदर डेवलप होती है तो हम कोऑपरेशन करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका स्पीच था 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला भाषण उन्होंने किया था। इट इज वो उसमें उन्होंने मैसेज दिया है, इट इज इजी टू गिव पावर, इट इज डिफिकल्ट टू गिव विजडम। पावर इज वन थिंग, विजडम इज क्वाइट अनदर। इसका मतलब यह है सहकारियों, अगर ये मूल्य मिस ये मॉरेलिटी की मैसेज है, मॉरेलिटी अगर हमें डेवलप करनी है, पावर तो हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन विजडम ये बहुत ही अलग चीज है, उसे पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, मुश्किल है। अगर हम ये 10 वैल्यूज हमारे अंदर निर्माण करने की कोशिश करते, बढ़ाने की कोशिश करते, विकसित करने की कोशिश करते हैं, तो जाके हम एक मॉरलिटी डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे और या विजडम के पास पहुंचने की कामयाब कोशिश कर सकते हैं। और ये पीबीएसपी जो प्रोग्राम है वो इसी के ऊपर खड़ा हुआ है सहकारियों, ये इसका बेस है मिस मॉरलिटी, कोऑपरेटिव मॉरलिटी, वी कैन से कोऑपरेटिव मॉरलिटी एंड विजडम इज द बेस ऑफ पीबीएसपी प्रोग्राम। मिस अगर ये दो चीजें ही पीबीएसपी को आगे ले जा सकती है, कामयाब कर सकती है और सस्टेन कर सकती है, तो ये चीज ये इसीलिए मैं शुरू में ही आपको बताया था कि ये कोऑपरेशन इज द बैकबोन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, और कोऑपरेशन का बैकबोन ये वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स है। वैल्यूज को मीन्स वैल्यू ये प्रिंसिपल को जन्म देती है। अगर हमारे वैल्यूज होगी तो हमारा बिहेवियर प्रिंसिपल के अनुसार रहेगा और उसी के बाद जाके हम कब मिस सहकारिता से जीवन जीना स्टार्ट करेंगे और वो एक फर्स्ट कदम होगा हमारा जाति से बाहर निकलने का। और जैसे जैसे हमारे अंदर हमारे समाज के अंदर ये सहकारिता मूल्य और ये तत्व बढ़ेंगे तब जाके ये जाति विकास या एनिहिलेशन तक लेके जाने वाला ये एक हथियार है कोऑपरेशन। तो सहकारियों इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, यानी कि इसका मतलब है जो समाज के विविध अंग खुद की इच्छा से अपने समान उद्देश्य या जरूरतें जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इत्यादि पूरी करने की महत्वाकांक्षा रखकर संगठित होता है उसे सहकार कहा जाता है, उसे सहकार कहा जाता है। मीन्स डेमोक्रेटिकली पीपल आर कमिंग टूगेदर टू फुलफिल कॉमन पर्पज लाइक इकोनॉमिकल एंड सोशल विथ रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय आईसीए। आईसीए इन्होंने 2020 ये साल जो है 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स करके सेलिब्रेट किया, उसे मनाया था। 2010 ये साल जो साल था इससे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स करके मनाया था। और 2009 में डैम पॉलिन ग्रीन ये एक महिला इसकी अध्यक्षा थी और इनका स्लोगन था उस ईयर में आईसी मींस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स में, कोऑपरेटिव इंटरप्राइज बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, मींस कोऑपरेट सहकारिता से हम एक सुंदर दुनिया बना सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी दुनिया बना सकते हैं। और इस इन्होंने ये जो आईसीए गोल, इनके गोल क्या थे उस ईयर में 2010 में, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, मींस
पूरा जन जागरण करना, जनता में एक समाज में ये कोऑपरेटिव वैल्यूज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को अवेयर करना, उसे उनका ज्ञान देना सहकारिता का मूल्य और तत्वों का, प्रमोट द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये कोऑपरेटिव संगठन को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव्स अलग अलग उनके लिए, इनकरेज गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज लॉ एंड रेगुलेशंस कंड्यूसिव टू द फॉर्मेशन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव्स। जो भी सदस्य, जो भी देश इनके सदस्य है आरसीए के, उनको एक अलग अलग पॉलिसीज जो सहकारिता से ऊपर जाने के लिए, सहकारी समाज में सहकार निर्माण करने के लिए अलग अलग योजना बनाने में बनाने के लिए बढ़ावा देना, ये भी इनका एक गोल था। चैलेंजेस क्या क्या थे आईसीए के, एक्नॉलेजमेंट लीडर इन सोशल एंड सामाजिक इकोनॉमिकल आर्थिक और ये पर्यावरण जो है उसे सस्टेन करने के लिए बढ़ावा देना या उसके लिए काम करना, एंड मॉडल इसके कारण हर एक ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करना या कोऑपरेटिव का एटीट्यूड का ये एक गोल था, एंड रिजल्ट ऑफ दैट फास्टेड ग्रोइंग फॉर्म ऑफ इंटरप्राइज। और ये आईसीए एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आईसीए है जो पहले युद्ध के बाद जो जागतिक मिस महायुद्ध हुए और पहला और दूसरा उसके बाद भी सर्वाइव हुई है या टिकी हुई है, ये एकमेव ऐसी संस्था है। कोऑपरेटिव विजन ऑफ आईसीए, इन्होंने 2011 से 2010 ये एक सहकारिता का दशक करके सेलिब्रेट किया है। इलिवेट पार्टिसिपेशन विथ विद इन मेंबरशिप एंड गवर्नमेंट्स टू अ न्यू लेवल, जो कोऑपरेटिव मेंबर है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग देश इनके जो मेंबर्स है उन मेंबर्स की संख्या बढ़ाना, ये भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना बाय वॉलंटरी प्रिंसिपल, ये भी उनका एक विजन था। पोजीशन कोऑपरेटिव्स एज अ बिल्डर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मींस कोऑपरेटिव्स आर बेटर बिकॉज देयर बिजनेस मॉडल क्रिएट्स ग्रेटर इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, मींस इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंट ये तीन चीजें मींस विजन इज वर्किंग। कोऑपरेटिव आइडेंटिटी उन्होंने मिस आईसीए इन्हें समाज में उनकी आईसीए की एज अ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी बनाना एक उनका चैलेंज था, एंड फॉर दैट चैलेंज टू ओवरकम दैट चैलेंज आईसीए इज वर्किंग काम कर रही है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेटिव ग्रोथ होने के लिए एक लीगल ढांचा वो बनाना चाहती है। सिक्योर रिलायबल कोऑपरेटिव कैपिटल guaranteeing member control, means cooperatives need access to capital if they are to be established, grow and means unhe apna ek asset means capital bhi develop karna bhi ek challenge tha। sahakariyo agar hum PBSP ko ek cooperative ki tarah se dekhte hain to hamara participation hamara uska sustainable participation zyada hona chahiye, participation hai by our voluntary membership, capital is also we are developing। लीगल फ्रेमवर्क अगर हम देखते हैं हमारे नियर अबाउट 10 ऑपरेशंस तैयार हो चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पीबीएसपी अगर हम देखते हैं तो माइंड ऑपरेशन, इंजीनियरिंग ऑपरेशन, एकेडमी ऑपरेशन, जस्टिस ऑपरेशन, ये ऐसे लगभग 10-11 ऑपरेशंस है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन टू, एंड इसके मीन्स ये एक लीगल फ्रेमवर्क जैसा है, ये एक लीगल ढांचा जैसा है हमारा ये स्ट्रक्चर, और ये हमें सस्टेन करेगा फॉर लॉन्गर लाइफ और जब तक हम हमारे एक लक्ष्य के पास पहुंचते, और ये करते करते हमारी पीबीएसपीपी आइडेंटिटी एज अ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए और है भी अगर हम देखेंगे तो। ये करंट सिचुएशन, ये हमारा लास्ट करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ आईसीए एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो ना हमें आईसीएफ कुछ पता था, व्हाट इज ए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, वैल्यूज क्या है, कुछ पता नहीं था। व्हेन वी जॉइन पीबीएसपी उसके बाद हमें पता चला, जब इन्होंने 2010 साल सहकारिता का वर्ष मनाया वो भी हमें इंडिया को पता नहीं चला, सामान्य जनता को पता नहीं चला, या उसके बाद 2011 से लेके 2020 लास्ट ईयर जो था वो मिस ये एक सहकारिता दशक करके मनाया गया, ये भी हमें कुछ पता नहीं चला। इंडिया इज ओनली द मेंबर ऑफ आईसीए, सिर्फ एक सदस्य के रूप में
उसका ये बहुतक सिद्ध किया, इंडिया एक्सेप्टेड, सिर्फ उसका डेफिनेशन एक्सेप्ट किया और हम सदस्य बन चुके, उतने से काम नहीं चलने वाला। ये अगर ये सहकारिता अगर समाज के अंदर, अगर देश के अंदर जाती थी तो ये हम सब बहुजनों की अलग सिचुएशन होती थी। गवर्नमेंट फेल टू इनकलकेट कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एंड हेंस नो कोऑपरेशन, मींस ये गवर्नमेंट चाहते नहीं कि एक सहकारिता की मूल्य और तत्व समाज के अंदर पैदा हो, निर्माण हो। ये अगर कोऑपरेशन लाएंगे तो हम एक कोऑपरेशन से जो समाज के हित में है वो समाज खुद के खुद करने में इलिजिबल होगा, इफिशियंट होगा। तो कौन सा भी ये जो मनुवादी गवर्नमेंट है, जो शासन प्रणाली है, वो कभी कोऑपरेशन हमारे अंदर पैदा करने की सोचेगी नहीं, ना लाएगी या ना लाने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए जो हम विक्टिम्स है ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर, उनको ही एक कोऑपरेशन लाने का उत्तरदायित्व निभाना है और जिम्मेदारी पूरी करनी है। इंडियन, अगर हम और मिस गौर से सोचेंगे तो इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट इज अ चाइल्ड इन डिस्ट्रेस, जो बहुत तकलीफ में अगर एक कोई बच्चा है या चाइल्ड है उसकी जैसी ये मूवमेंट की स्थिति इंडिया में है। सहकारियों, अगर हम अगर ये चाइल्ड इन डिस्ट्रेस ये कंसेप्ट को अच्छी गौर से सुनेंगे तो पता मीन्स देखेंगे सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि मूवमेंट कोऑपरेटिव की इंडिया में क्या है। ना वो मीन्स बच्चा बड़ा होगा, ना मीन्स डेफिनेटली द डेथ विल बी देयर, अगर यही मीन्स सिचुएशन चला रहा, ये चलता रहा। तो इसीलिए हमें अगर ये चेंज करना है पिक्चर चाइल्ड इन डिस्ट्रेस, अगर उस चाइल्ड को वो डिस्ट्रेस से बाहर निकालना है तो हमें हमारे अंदर और हमारे समाज के भी अंदर ये सहकारिता के मूल और तत्व उनको मीन्स विकसित करना पड़ेगा। विपन्स, अगर हम ये जाते हैं मीन्स ये कोऑपरेशन इज द वन मेजर टूल और बिगेस्ट टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। कैसे ये कोऑपरेशन, हमें एक 5 मिनट लूंगा उस कोऑपरेशन, एक हमारा जो कोऑपरेशन से क्या होता है, कोऑपरेशन यील्ड्स ट्रस्ट, कोऑपरेशन एक भरोसा पैदा करता है मनुष्य के अंदर, भरोसा पैदा करता है। और जब भरोसा विश्वास पैदा हो तो विश्वास हमारे अंदर जो कल्चर ऑफ फियर है उसे निकाल देता है, और जब कल्चर ऑफ फियर निकलता है तो हम फ्रीडम फ्री हो जाते हैं और फ्री मनुष्य फ्री इंसान कुछ पॉसिबिलिटीज फाइंड करने में इलिजिबल होता है, उसकी ताकत बढ़ती है, क्योंकि किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, पॉजिटिव कंपटीशन है, और तब जाके वो पॉसिबिलिटी क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। और ये इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एक हमें एक क्रिएटिव समाज निर्माण करने में कामयाब करती है, एक कलेक्टिव मोरलिटी बनाती है, सोशल इफिशियंसी डेवलप करता है कोऑपरेशन। सोशल इफिशियंसी मींस व्हाट, ये मींस हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ पर्सनैलिटी उसे डेवलप करने में काम मींस हेल्प और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कोऑपरेशन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में मदद करता है ये कोऑपरेशन। और इन दिस वे एट द एंड इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओवरऑल कोऑपरेशन से हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बढ़ा देता है ये कोऑपरेशन। मींस कोऑपरेशन का इतना बड़ा महत्व है ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में। और इसी के साथ अगर ये कोऑपरेशन तक हमें पहुंचना है तो डेफिनेटली हमें एजुकेशन और थिंकिंग स्किल का सपोर्ट सहारा लेना पड़ेगा, उससे हमारी और एनर्जी, हमारा जो इफिशियंसी और एबिलिटी टू कोऑपरेट करने के लिए थिंकिंग स्किल और एजुकेशन की जरूरत है। तो बाय ऑल दिस थ्री वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। सहकारियों, ए कोऑपरेशन रिकंस्ट्रक्ट द अशोकास नेशन, कोऑपरेशन रिकंस्ट्रक्ट द अशोकास नेशन। अगेन मैं ये बात दोहराना चाहता हूं कि पीबीएसपी का बेस मॉरेलिटी एंड विजडम, ये दो चीजें हैं, और ये दो चीजें डिपेंड है कोऑपरेटिव
वैल्यूज एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के ऊपर सहकारियों, इसी के साथ ये फियर ऑफ कल्चर कैन बी डिस्ट्रॉय बाय कोऑपरेशन, और जो हमारा स्लोगन है अशोका का राज आएगा हम सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भीम जय भारत। थैंक यू।